सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्द रचना। बच्चों, हमारी हिंदी भाषा में यूं तो कई विदेशी भाषा के भी शब्द हैं, संस्कृत के भी शब्द हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें हम शब्दांश जोड़कर नए शब्दों की भी रचना करते हैं। भाषा व्यवहार में हम कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अत्यधिक काम करना चाहते हैं, इसलिए शब्दों के आदि, आदि मतलब शुरू, तथा अंत में कुछ जोड़कर या उनकी मात्राओं में बदलाव लाकर नए से नया अर्थ बोध कराना चाहते हैं। इसी प्रकार एक ही शब्द से अनेक अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए जो नवीन शब्द बनाए जाते हैं उन्हें शब्द निर्माण या शब्द रचना कहते हैं। बच्चों, इसको समझ लीजिए कि कुछ शब्दों में मात्राओं के परिवर्तन से या शब्दांशों को जोड़कर जो नए शब्द और बनाए जाते हैं उन्हें ही हम शब्द रचना या शब्द निर्माण कहते हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। आपने कक्षा छठवीं में भी उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ा है। उपसर्ग क्या है? भाषा के वह सार्थक, सार्थक जिसका अर्थ हो भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं, इन्हीं शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिए, भाषा के अर्थात जो हम बोल रहे हैं भाषा, भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं इन्हीं शब्दांशों को उपसर्ग करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग क्या है? शब्दांश है, शब्द नहीं, शब्द का एक अंश है। उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण में देखिए, हार, हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इस शब्द के आगे हम प्र शब्दांश को जोड़ेंगे तो क्या नया शब्द बनेगा? प्रहार, हार पराजय, प्रहार चोट करना। तो देखा बच्चों आपने कि हमने शब्दांश का जब प्रयोग किया तो शब्द का अर्थ ही बदल गया। अतः शब्द जोड़ शब्दांश मिलाकर नया शब्द बना, और जिनमें शब्द और शब्दांश, उपसर्ग क्या है, शब्दांश पहले रह गया फिर बाद में, उपसर्ग में शब्दांश पहले शब्द पीछे, और उन इन दोनों के बाद नए शब्द का निर्माण होगा। उदाहरण स्वरूप, सु जोड़ मार्ग सुमार्ग, सु जोड़ मार्ग सुमार्ग, यहाँ उपसर्ग क्या है? सु। निर जोड़ बल निर्बल। अच्छा बच्चों, बल का अर्थ सबको मालूम है और निर्बल का भी अर्थ आपको मालूम है? बल जिसके पास शक्ति, और निर्बल जिसके पास शक्ति ना हो। तो यहाँ देखिए कि उपसर्ग के प्रयोग से किस तरह से अर्थ में परिवर्तन हो गया। अन जोड़ मोल अनमोल, वी जोड़ ज्ञान विज्ञान, बे जोड़ अक्ल बेअक्ल, कम जोड़ जोर कमजोर। बच्चों, हमारी जो भाषा है जिसमें हम शब्दों की रचना करते हैं उनमें कई सारे संस्कृत के भी उपसर्ग हैं, कुछ हिंदी के हैं, कुछ उर्दू फारसी के हैं। जैसे कि हमने पहले वाले में देखा, निर्बल यह संस्कृत से लिया गया है, सुमार्ग यह संस्कृत से है, विज्ञान अनमोल यह हिंदी का है, किंतु बे और कम ये दोनों उर्दू से है। तो हिंदी में जो प्रचलित उपसर्ग है उसमें कई सारे संस्कृत से लिए गए हैं, हिंदी से लिए गए हैं, उर्दू एवं फारसी से भी लिए गए हैं। इसके अलावा कुछ और भी उपसर्ग हैं जो कि अव्यय संज्ञा और सर्वनाम जैसे प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय संज्ञा और सर्वनाम, यहाँ ध्यान दीजिए, उपसर्ग के समान कुछ और भी शब्द प्रयुक्त होते हैं जो कि संस्कृत के भी हो सकते हैं, अव्यय के भी, संज्ञा के भी और सर्वनाम के भी।
उदाहरण स्वरूप अंतर, अर्ध, चीर, सर्व, महा, सह, स्वयं, गुरु आदि। यहाँ मैंने कुछ ही उदाहरण लिखे हैं, लेकिन आपको और भी प्राप्त हो जाएंगे। जैसे अंतर से है अंतर जगत, अंतर जगत, अंतर जगत, अंतर उपसर्ग और किस में जाकर मिल गया, जगत में। और दूसरा शब्द क्या हो सकता है, अंतरदेशीय, अंत प्रेरणा, अर्ध, अर्ध नारीश्वर, चीर, चिरायु, चीरकाल, चीर उपसर्ग, उसमें हमने आयु लगा दिया तो चिरायु बन गया, उसमें हमने काल लगा दिया तो चीरकाल बन गया। सर्व, यस, क्या है, सर्वनाम, सर्व नाम, सर्व से जोड़ा हमने तो सर्वनाम बन गया। अगर हम इसमें साधारण जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सर्व जोड़ साधारण, सर्व साधारण बन जाएगा। और अगर हम इसमें नास जोड़ देंगे, सर्व में नास, तो क्या बनेगा, सर्वनाश। महा, महा में आत्मा जोड़ दिए हम तो क्या बना, महात्मा। महा में पंडित जोड़ेंगे तो महापंडित, महा में पात्र जोड़ेंगे तो महापात्र। सह, सह में अगर हम पाठी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सहपाठी। सह में अगर हम अध्यायी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सहअध्यायी। सह में अगर हम पत्नी जोड़ेंगे तो सपत्नी। स्वयं, स्वयं भी सर्वनाम है, आप सभी ने पढ़ा है। अगर हम स्वयं में सेवक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा नया शब्द, स्वयं सेवक। स्वयं में अगर हम वर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स्वयंवर। गुरु, यह क्या है, संज्ञा है। और गुरु में अगर हम डम जोड़ दिए तो क्या बनेगा, गुरुडम। गुरु में ता जोड़ देंगे तो गुरुता। तो इस तरह से बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे भी उपसर्गवत प्रयुक्त अव्यय संज्ञा पद भी हमारी भाषा में शब्द रचना के लिए निर्माण किए गए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रत्यय। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे समाज जोड़ इक सामाजिक। बच्चों याद रखिएगा, उपसर्ग में क्या है, जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं, और प्रत्यय में ठीक इसके विपरीत है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द, यहाँ पर शब्द पहले है, शब्दांश पीछे है। समाज जोड़ इक सामाजिक, और यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आ की मात्रा लग गई है, जबकि समाज में सम में आ की मात्रा नहीं है। यह इक प्रत्यय बनाने का नियम है। यदि स में हम किस व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, अ, अ हो या आ हो और इक प्रत्यय हो तो यह जुड़कर आ में परिवर्तित हो जाता है। प्रचलन जोड़ इत प्रचलित। ई ज की मात्रा हो गई, ई किसकी मात्रा हो गई, ल की। तो शब्द जोड़ शब्दांश अर्थात प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ है पीछे चलने वाला। प्रत्यय के दो भेद हैं। पहला भेद है कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया धातु में जोड़े जाते हैं। आपने संस्कृत में पढ़ा है धातु रूप क्रिया शब्दों को हम कहते हैं, जो मूल होते हैं और जिनसे अन्य शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो वे प्रत्यय जो क्रिया धातु में जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, पढ़ जोड़ आई पढ़ाई। अगर यहाँ लिख जोड़ आई होता तो क्या बनता, लिखाई। यदि हंस जोड़ ई होता तो क्या बनता, हंसी।
बच्चों ध्यान दीजिएगा, कृत प्रत्यय क्या है? वे प्रत्यय जो क्रिया धातु, केवल क्रिया शब्दों में जो जोड़कर जो शब्दांश बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और इनसे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं, याद रखिएगा। दूसरा भेद है प्रत्यय का तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया धातु और तद्धित प्रत्यय में क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। याद करना भी आसान है, कृत क्रिया, और इस क्रिया को छोड़कर बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वाले शब्दों में जो शब्दांश जुड़ गए वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और इनसे बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। कुछ उदाहरण दोनों से मैंने लिए हैं। दिख जोड़ आवट, दिखावट। दिख शब्द क्या है? क्रिया। आवट प्रत्यय। बंगाल जोड़ ई, बंगाली। बंगाल शब्द क्या है? संज्ञा। मीठा जोड़ आस, मिठास। मीठा शब्द क्या है? विशेषण। मनुष्य जोड़ त्व, मनुष्यत्व। इतिहास जोड़ ई, ऐतिहासिक। बच्चों यहाँ भी देखिए, ये ई है, ई है, क्या बन गया? ए। इस पर भी ध्यान देना है कि अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो और ईख प्रत्यय हो तो वो बन जाता है ए। लड़का जोड़पन, लड़कपन। बच्चा जोड़पन, बचपन। सोना जोड़ आर, सुनार। लोहा जोड़ आर, लोहार। तो बच्चों अब मैं आपको कुछ उपसर्ग और प्रत्यय से उदाहरण दूंगी। बच्चों ध्यान दीजिए, लिख कर, लिख जोड़ कर, कर प्रत्यय। घबरा जोड़ हट, घबरा जोड़ हट, घबरा जोड़ आहट प्रत्यय। परिवार पारिवारिक, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। परिवार जोड़ इक। उठता, उठ जोड़ ता, ता प्रत्यय। बीमारी, बीमार जोड़ ई, ई प्रत्यय। तो ये सारी आपको याद करनी होगी कि कौन कौन से प्रत्यय हैं, कौन कौन से उपसर्ग हैं। अब यहाँ देखिए, उपसर्ग एवं प्रत्यय की दी गई परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लग कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। आपने अभी तक कुछ कुछ उपसर्ग याद कर लिए होंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तो उपसर्ग को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले शब्दांश, फिर शब्द, और प्रत्यय के लिए पहले शब्द और फिर। बच्चों अब हम अभ्यास पुस्तक वाले उदाहरण देखते हैं। चट जोड़ आई, चटाई। अगर हम यहाँ नी जोड़ते तो क्या होता? चट जोड़ नी, चटनी। झाड़ जोड़ ई, झाड़ी। सजा जोड़ ना, सजाना। सजा जोड़ आवट, सजावट। हंस जोड़ ना, हंसना। हंस जोड़ी, हंसी। मोटा जोड़ पा, मोटापा। सप्ताह जोड़ एक, साप्ताहिक। याद रखिएगा, यहाँ पर अ है लेकिन एक प्रत्यय से जुड़ने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? आ। संसार जोड़ एक, सांसारिक। धर्म जोड़ एक, धार्मिक। आ की मात्रा हमेशा ध्यान रखिएगा। अर्थ जोड़ एक, आर्थिक। मास जोड़ एक, मासिक। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, एक प्रत्यय और जब अ या आ है, अ आ के साथ एक प्रत्यय जुड़ रहा है तो कौन सी ध्वनि, नई ध्वनि बन रही है?
आ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब दूसरा देखिए, एक प्रत्यय यदि ई के साथ एक प्रत्यय जुड़ रहा है तो नई ध्वनि ए बन रही है। जीव जोड़िक जैविक, नीति जोड़िक नैतिक ए की मात्रा, शिक्षा जोड़िक शैक्षिक, विचार जोड़िक वैचारिक, विज्ञान जोड़िक वैज्ञानिक। ये ई परिवर्तित हो गई किसमें? ए में। याद रहेगा यदि ओ आ के साथ एक प्रत्यय हो तो आ की ध्वनि, यदि ई के साथ एक प्रत्यय हो तो ए की ध्वनि। अब कुछ ऐसे शब्द हैं मूल शब्द जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों होते हैं। प्र जोड़ सन्न जोड़ता प्रसन्नता, अ जोड़ स्वच्छ जोड़ता अस्वच्छता, निर जोड़ बल जोड़ता निर्बलता। र के नीचे हल चिन्ह अर्थात र आधा है और आधा र को हम रेफ के रूप में लिखते हैं। प्र जोड़ भाव जोड़ इत प्रभावित। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वच्छ अस्वच्छ, शहर गांव, देश विदेश, सुगंध दुर्गंध, प्रातः सायं, उत्कर्ष अपकर्ष। मानक वर्तनी, मानक वर्तनी का अर्थ स्पेलिंग और मानक जो कि अब प्रचलित रूप में है, जिसको हिंदी निदेशालय ने बताया है कि अब हमको इसी रूप का, इस नए रूप का प्रयोग करना है। अपने कक्षा छठवीं में भी सीखा है, फिर भी आप इसको समझ लीजिए। ये विद्यार्थी यह गलत शब्द नहीं है, किंतु यह पुराना रूप है। मानक के रूप में इस द और य को जो कि संयुक्त है उनको अलग कर दिया गया। सुंदर पंचम वर्ण के बदले अनुस्वार का प्रयोग। द्वारा उत्तर उद्यान बुद्धिमान। बच्चों हमेशा याद रखिए, परीक्षा में मानक वर्तनी आता है तो आपको किस रूप में लिखना है? नए रूप अर्थात प्रचलित रूप में। अब यहां देखिए पर्यायवाची है वृक्ष का, पेड़, तरु, विटक। अगर आपके पास पुरानी पुस्तक होगी तो उसमें जलधर होगा, इसको काट दीजिएगा, यहाँ कोई दूसरा पर्यायवाची लिख दीजिएगा। जलधर हम बादल को कहते हैं। वृक्ष का पेड़ तरु विटक, बादल का मेघ घन जलधर, पर्वत पहाड़ गिरी अचल, पक्षी खग बिहग नवचर, निर्मल साफ स्वच्छ पवित्र। तो बच्चों आज की कक्षा के लिए आपके क्या गृह कार्य है उसको समझिए। प्रश्न संख्या 16 बाद में बताया जाएगा, आपको अपने कॉपी में क्या क्या लिखना है उस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 4, 5, 6, प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 और 15। इतने प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिखिएगा। पर्यायवाची शब्द जब भी लिखिएगा तो सामने सामने, इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखिएगा, सामने सामने आप उन शब्दों को लिखिएगा। यह है आज की कक्षा के लिए आपके लिए गृह कार्य। फिर से मैं दोहरा दे रही हूँ, आप बार बार भूल जाते हैं। प्रश्न संख्या 4, 5, 6, प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 और 15। इतने प्रश्नों को करना है, बाकी हम पत्र लेखन सूचना लेखन एक साथ करेंगे। धन्यवाद बच्चों।